Hello students, today we are going to study transportation. In the previous lecture we study about cell membrane. Back lecture में हमने cell membrane के बारे में पढ़ा था और आज हम transportation पढ़ने जा रहे हैं. पिछले क्लास में आपने देखा था कि cell को कवर करने वाला जो surface है उसे हम cell membrane कहते हैं. फिर सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कब हुई, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फिर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, सारी बातें हमने बैक प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पर बात की थी. आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पर. जो लास्ट पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो था कि सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल सराउंडिंग एंड इंटीरियर ऑफ द सेल. यानी सेल के सराउंडिंग से और सेल के अंदर कोई चीज का जो एक्सचेंज होगा, कोई चीज सेल के बाहर से अंदर आएगा या सेल के अंदर से कोई चीज बाहर जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रेगुलेशन कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन ही करेगा. ओके ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को ही ट्रांसपोर्टेशन की सारी जवाबदेही निभानी है. सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन वही सेलेक्ट करेगा कि किसको अंदर आने देना है और किसे बाहर जाने देना है. हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. क्यों? क्योंकि वो उन्हीं चीजों को अंदर आने देता है जो सेल के लिए नेसेसरी होता है और उन्हीं को बाहर जाने देता है जो सेल के लिए नेसेसरी नहीं होता है. यानी कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन कौन रेगुलेट करेगा? सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करेगा. आज हम थोड़ा सा बात ट्रांसपोर्टेशन पे ही करने वाले हैं. ट्रांसपोर्टेशन, देखिए एक जनरल भाषा में अगर हम बात करें तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि हमारे देश में कोई भी चीज है, मान लीजिए कि जैसे पैडी है, धान है, धान बहुत ज्यादा मान लीजिए उपजता है पंजाब में, पंजाब में बहुत ज्यादा धान उपजता है, वहां मान लीजिए कि चावल बनाया गया. अब उस चावल को वहां से लेके जाया गया किसी दूसरे स्टेट में, लाइक कोई भी मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश लेके जाया गया, तो यहां से चावल का वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा. तो मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. और यहां पर हमें ट्रांसपोर्टेशन पे बात करनी है सेल के लिए, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप ट्रांसपोर्टेशन समझ गए होंगे. ओके ठीक है. अब देखिए सेल से अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो दो बातें हो सकती हैं. पहली बात यह हो सकती है कि चीजें सेल के बाहर से अंदर आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक ये अगर सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है मान लीजिए, तो इसमें चीजें क्या हो सकती है? या तो बाहर से अंदर आ सकती है या अंदर से चीजें बाहर जा सकती है. यही तो होगा ना, मूवमेंट यही हो सकता है. या तो सब्सटेंसेज सेल के बाहर से अंदर आए या सेल के अंदर से बाहर जाए, यानी फ्रॉम सराउंडिंग टू द इंटीरियर ऑफ द सेल और फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द सेल टू द सराउंडिंग. ओके, तो देखिए अगर सब्सटेंसेज का मूवमेंट सेल के बाहर से सराउंडिंग से अंदर की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस. ध्यान दीजिएगा बाबू, डिफिनेशन टर्म्स हैं इंडोसाइटोसिस, यानी द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम सराउंडिंग टू द इंटीरियर ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस. And the movement of substances from interior of the cell to the surrounding, यानी cell के अंदर से surrounding में कोई भी चीज अगर जाएगा, इसे हम कहेंगे exocytosis. शायद आपको समझ में आया होगा बाबू, endocytosis and exocytosis, दो terms हमने बात की, endocytosis and exocytosis. Note में definition already available है, आप यहां समझ लीजिए सिर्फ. endocytosis is the movement of substances from the surrounding to the interior of the cell and movement of substances from interior of the cell to the surrounding is called exocytosis. देखिए कोई भी जो सेल होता है, सेल के चारों तरफ बॉडी फ्लूइड होता है. बॉडी फ्लूइड यानी कि बॉडी का कोई फ्लूइड होता है, तो सेल और बॉडी फ्लूइड के बीच में चीजों का एक्सचेंज होता है. तो बॉडी फ्लूइड से कोई चीज सेल के अंदर आया तो इंडोसाइटोसिस, और सेल के अंदर से कोई चीज बाहर गया एक्सोसाइटोसिस. तो सिंपल टर्म्स. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम जाएं तो ये जो इंडोसाइटोसिस है ये दो टाइप का हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा,
ये कितने टाइप का हो जाएगा? दो टाइप का। पहला हो जाएगा फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस फर्स्ट हो जाएगा फेगोसाइटोसिस, एंड सेकेंड हो जाएगा पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ध्यान से सुनिएगा, टर्म्स हैं, कोई कंट नहीं, ये नहीं कि मतलब सुन के ही आपको घबरा जाना है, ये टर्म्स हैं। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस को हम कहते हैं सेल ईटिंग, इसे हम कहते हैं सेल ईटिंग, ये है सेल ईटिंग। और पिनोसाइटोसिस को हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस को क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग। अब देखिए, ईटिंग किसके लिए यूज होता है? सॉलिड चीजों के लिए, सेब खाते हैं क्योंकि सेब सॉलिड है, पानी पीते हैं क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है। तो नाम से ही स्पष्ट हो गया आपका, फेगोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि किसी, देखिए सबसे पहले तो ये इंडोसाइटोसिस है, यानी इसमें सब्सटेंसेस क्या होंगी? बाहर से अंदर आएंगे। ओके, अब बाहर से अंदर आने वाले में दो बातें हो गई, पहला हो गया फेगोसाइटोसिस, दूसरा हो गया पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब हुआ सेल ईटिंग, मतलब कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस, कोई सॉलिड मटेरियल सराउंडिंग से सेल के अंदर आएगा तो वो कहलाएगा फेगोसाइटोसिस। समझ गए? कोई सॉलिड अगर अंदर आएगा तो क्या कहलाएगा? फेगोसाइटोसिस। और कोई फ्लूइड अगर आएगा, फ्लूइड कहने का मतलब लिक्विड या गैस आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सेल ड्रिंकिंग, यानी कि पिनोसाइटोसिस। शायद आपको क्लियर हुआ होगा, नोट में देख लीजिए, डिफिनेशन सारे के मौजूद हैं कि इंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज सेल फेगोसाइटोसिस व्हेन सॉलिड सब्सटेंस इज टेकन बाय सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जब सॉलिड सब्सटेंस सेल लेगा सराउंडिंग से तो वो कहलाएगा फेगोसाइटोसिस। एंड सेकेंड है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एक इंटेक ऑफ लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग बाय द सेल, यानी कि अगर लिक्विड सब्सटेंस सराउंडिंग से लेगा तो वो क्या कहलाएगा? पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। तो सेल के हिसाब से देखें तो ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप के, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग टू द इंटीरियर ऑफ द सेल, एंड एक्सोसाइटोसिस इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द सेल टू द सराउंडिंग। एंड इंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज फेगोसाइटोसिस व्हिच मींस व्हेन सब्सटेंस इज इंटेक बाय द, व्हेन सॉलिड सब्सटेंस इज टेकन बाय द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड व्हेन लिक्विड सब्सटेंस इज टेकन बाय द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग देन इट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ओके ओके, अब इसके बाद देखिए, अब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसको हम इरेज कर दे। अब अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरह का होता है, दो तरह का। कितने तरह का? दो तरह का। फर्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड सेकेंड इज पेसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पेसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पेसिव ट्रांसपोर्ट। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अब देखिए क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें इनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जिसमें क्या होगा? इनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्स इनर्जी, इसमें क्या होगा? इनर्जी रिक्वायर्ड होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर इनर्जी, जब इनर्जी नहीं चाहिए तो क्या कहलाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जब इनर्जी चाहिए तो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी वैसा ट्रांसपोर्टेशन जहां सेल को इनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, और वैसा ट्रांसपोर्टेशन जहां इनर्जी खर्च नहीं होगी क्या कहलाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो शायद आपको क्लियर हुआ होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके बाद अगर आप बात करें तो कब एनर्जी खर्च होगी और कब एनर्जी खर्च नहीं होगी, कब एनर्जी खर्च होगी और कब एनर्जी खर्च नहीं होगी। देखिए, एनर्जी खर्च तब होती है जब चीजें अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मैं कुछ टर्म्स बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन
टू हायर कंसंट्रेशन, टू हायर कंसंट्रेशन। जब सब्सटेंसेस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाई जाती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, आप ये समझिए, कंसंट्रेशन मतलब हुआ कि वहां उस पदार्थ की कितनी मात्रा है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपने क्या किया, पानी लिया, एक एक लीटर पानी लिया, दो गो बीकर में एक एक लीटर पानी लिया, एक बीकर में आपने क्या किया 100 ग्राम नमक घुलाया और एक बीकर में आपने 50 ग्राम नमक घुलाया, एक में आपने 100 ग्राम साल्ट, दूसरे में आपने 50 ग्राम साल्ट, और दोनों को घोल के आपने सॉल्यूशन तैयार किया। दोनों सॉल्यूशन किसका है, साल्ट का सॉल्यूशन है, लेकिन एक बात बताइए किस में साल्ट का कंसंट्रेशन अधिक है, पहले वाले में, क्योंकि वहां आपने 100 ग्राम साल्ट डिजॉल्व किया है, तो 100 ग्राम साल्ट डिजॉल्व होने का मतलब वहां साल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है, और 50 ग्राम वाले में साल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो समझ गए आप, तो अगर मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा तो वो कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसमें क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा तो क्या कहलाएगा वो बाबू, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए कोई भी चीज जो है ना वो खुद ब खुद जाती है हायर से लोअर की तरफ, खुद ब खुद जाती है, उसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एक बात बताइए, आप सभी के घर में एक मोटर लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब मोटर जब आप चलाते हैं तो मोटर क्या करता है, पानी को ग्राउंड से पहुंचाता है कहां पर, छत के ऊपर जो टंकी लगा है उसमें पहुंचाता है। तो मोटर को वर्क करना पड़ता है, मोटर बिजली खाती है, एनर्जी लगता है ना बाबू, क्यों, क्योंकि आप वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे ले जा रहे हैं। लेकिन उसी टंकी को भर देने के बाद जब आप मोटर बंद कर देते हैं और नल से पानी निकालते हैं तो क्या वहां भी मोटर लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता है, पानी खुद ब खुद हायर से लोअर की तरफ आ जाता है। हाँ मैं मानता हूं ये दोनों बातें सीधे रिलेटेड नहीं है, आप समझ सकते हैं, लेकिन यानी हायर से लोअर चीजें क्या होती है, खुद ब खुद जाती है, वहां पर किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। और जब आप लोअर से हायर ले जा रहे हैं, जैसे मोटर आप चलाना पड़ रहा है ना, जब लोअर से हायर ले जा रहे हैं तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें क्या होती हैं, जहां पहले से ही अधिक है वहां पर और ले जाया जाता है, यानी वहां पहले से ही अधिक है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि सेल के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज है, लेकिन हम ग्लूकोज स्टोर कर रहे हैं तो हम उसमें और ग्लूकोज डालना चाहेंगे, तो और ग्लूकोज हम डालना, ग्लूकोज नेसेसरी है ना, तो हम और ग्लूकोज डालना चाहेंगे, तो और ग्लूकोज अगर हमें डालना है और सेल के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज की मात्रा कम है तो ब्लड से जबरदस्ती ग्लूकोज घुसाना पड़ेगा, क्योंकि सच में ग्लूकोज क्या होना चाहता है, सच में चीजें किधर जाना चाहती है, हायर से लोअर की तरफ। तो क्या होगा, ग्लूकोज क्या चाहता है कि हम अंदर से बाहर आ जाए, यानी सेल के अंदर से बाहर आ जाए। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, नहीं, बाहर नहीं जाना है हमको, तो और ग्लूकोज भरना है, तो ऑलरेडी सेल के अंदर ग्लूकोज अधिक है और आप और ग्लूकोज लाना चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना, लोअर से हायर की तरफ ले जा रहे हैं ना। और जब आप लोअर से हायर की तरफ ले जाइएगा तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि चीजें किधर जानी चाहती है, हायर से लोअर की तरफ। लेकिन आप जब लोअर से हायर ले जाए, जो चीज जाना ही नहीं चाहता उधर, उधर ले जाने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी होगी, तो वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यानी जब चीजें लोअर से हायर की तरफ ले जाई जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और वहां पे हमें एनर्जी खर्च होती है, किसकी खर्च होती है, एनर्जी। याद रखिए जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैं बोलूं आप समझ जाइएगा कि ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी खर्च करने वाला ट्रांसपोर्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जब भी बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि हायर से लोअर है, हायर से लोअर है, उसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा, समझ गए ना। तो जब एनर्जी खर्च नहीं होगी तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है किधर से किधर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। आई विश आपको दोनों टाइप समझ में आया होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको मैं इरेज कर दूं, ओके। तो जो हमारा
पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो हो जाता है हमारा दो टाइप का, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ गए आप, जहां एनर्जी खर्च होगी। अब हमें कंसंट्रेट करना है पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। तो अब हम आ गए पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब हम आ गए पैसिव ट्रांसपोर्ट पर। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट बात करें तो कौन सा ट्रांसपोर्ट, यानी एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही है और ये किधर से किधर हो रहा है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। ओके, अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट सेल के लेवल पे अगर आप देखें, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर आप देखें, तो ये दो तरह का होता है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, एंड सेकेंड इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी ये दोनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जहां एनर्जी खर्च नहीं होगी। और ये बल्क, देखिए एक बात याद रखिए, सेल के अंदर जो बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ज्यादा मात्रा में जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ ही चीजों के लिए होता है, मोस्ट ऑफ द चीजों के लिए कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को कई जगह बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही होता है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन क्या है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा डिफ्यूजन के बारे में, सुना भी होगा। तो डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस From its higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration, यानी किसी भी substance का movement अपने higher concentration से lower concentration की तरफ क्या होता है, diffusion होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपने room में एक अगरबत्ती जला दिया एक कोने में, एक, या मान लीजिए कि जब सुबह सुबह उठते हैं, या मान लीजिए कि मम्मी पूजा करती है तो धूप जलाती है, तो धूप वो एक जगह जलाती है, लेकिन उसका स्मेल क्या उसी रूम में रहता है या पूरे घर में फैल जाता है, पूरे घर में फैल जाता है। क्यों, क्योंकि अगरबत्ती का जो स्मोक था, जो उसका धुआं था, वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों फैल गया, क्योंकि जहां वो अगरबत्ती जल रहा था वहां उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, वहां वो ज्यादा मात्रा में था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, हायर से लोअर की तरफ आता गया और रूम में फैलता चला गया और पूरे रूम में फैल गया। तो ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। मम्मी जब खाना बना रही होती है किचन में, तो क्या करती है, जब गर्म खाना होता है तो उसका स्मेल आप तक आता है, कभी ठंडा खाना का स्मेल आता है, नहीं आता। ये केमिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो वहां डिफ्यूजन हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन कभी आप देखे हैं कि ठंडा खाना, एकदम ठंडा खाना आपके सामने निकाल के दे दिया जाए, उसमें से स्मेल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि गर्म खाना से क्या होता है ना, वेपर निकलता है, गर्म खाना से क्या होता है, वेपर निकलता है, और वो वेपर गैस है तो उसका क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन होगा तो हमारे नाक तक पहुंचेगा, वो वहां से डिफ्यूज करके हमारे नाक पहुंचेगा, हमको स्मेल का वाओ डिलीशियस, समझ गए ना। तो डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी भी किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो चलेगा, कोई भी सब्सटेंस अगर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। तो अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर, यहां पर हमने क्या क्या सब्सटेंस फिक्स कर दिया, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, फिर ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही है। एक बात याद रखिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही होगा, हमने पहले ही बात कर ली। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू, यहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, थ्रू अ सेमी और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये याद रखने की चीज, ध्यान दीजिएगा। मैंने दोनों बातें लिख दी, डिफ्यूजन भी और ऑस्मोसिस भी, डिफ्यूजन भी और ऑस्मोसिस भी।
डिफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी यहां फिक्स है लिक्विड और लिक्विड में भी कौन, वाटर। तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि वाटर का मूवमेंट होगा हायर से लोअर की तरफ, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए। और कैसा मेम्ब्रेन, या तो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी जब वाटर का मूवमेंट हो रहा हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और बीच में क्या हो, एक सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। और ये बात कहां होगी, सेल में होगी, बहुत अच्छे से सेल में होगी। अब मान लीजिए सेल है, ये मान लीजिए आपका सेल है, ये न्यूक्लियस, वाटर बाहर से अंदर आ रहा है, वाटर, वाटर क्या हो रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो देखिए सेल के अंदर पानी की मान लीजिए कमी है और बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी अंदर बाहर से अंदर आ जाएगा, क्योंकि अब जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है अंदर में कम कंसंट्रेशन है, तो पानी खुद को खुद आएगा ना बाबू, तो पानी खुद को खुद बाहर से अंदर आ जाएगा। और बाहर से जब अंदर आएगा, बाहर से जब अंदर आएगा, तो ये बीच में इसको किसको पार करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करना पड़ेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैंने बात की थी पिछले क्लास में, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेलेक्टिवली वाटर आया हायर से लोअर की तरफ किसको पार करके, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ, कोई मेम्ब्रेन उम्ब्रेन का खेल नहीं वहां पर, लेकिन ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ और बीच में या तो एक सेमी परमिएबल या नहीं तो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। और वाटर का मूवमेंट जो सेल के अंदर होता है वो सारा का सारा क्या होता है, ऑस्मोसिस से ही होता है, सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये सारा खेल जो होता है वो किससे होता है, ऑस्मोसिस से ही होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, अंतर याद रखिएगा। डिफ्यूजन में कुछ भी मूव कर सकता है हायर से लोअर की तरफ, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मूव करेगा हायर से लोअर की तरफ, और साथ ही शर्त यह है कि वहां एक सेमी परमिएबल या नहीं तो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना ही चाहिए। ओके, वाटर का मूवमेंट जब भी बाहर से अंदर की तरफ होगा वो भी ऑस्मोसिस है, और अंदर से बाहर की तरफ होगा वो भी ऑस्मोसिस है। अब ऑस्मोसिस, अब देखिए पानी का मूवमेंट जो इरेज कर दे इसको, नोट में लिखा हुआ है आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो अब इसको इरेज करते हैं। और देखिए अब, देखिए अब वाटर का जो मूवमेंट हुआ सेल के अंदर बाहर वो दो तरह का हो गया, या तो सेल के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। तो ऑस्मोसिस पे हम आते हैं, क्योंकि देखिए वाटर मूवमेंट सबसे मेन है, वाटर का मूवमेंट सबसे अधिक होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड क्या है, वाटर है। तो अब अगर हम देखें तो ऑस्मोसिस, आपका जो ऑस्मोसिस है, आपका जो ऑस्मोसिस है वो हो जाएगा कितने टाइप का, दो टाइप का ऑस्मोसिस आपका हो जाएगा, दो टाइप का, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, एंड सेकेंड इज इग्जो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस एंड इग्जो ऑस्मोसिस। What do you mean by endoosmosis and what do you mean by exoosmosis? Indo, याद कीजिए इससे पहले भी, endocytosis and exocytosis। जब बाहर से अंदर आता था तो indo, और जब अंदर से बाहर जाता था तो exo। तो यहां भी क्या होगा, पानी का मूवमेंट, अगर पानी सेल के बाहर से सेल के अंदर आएगा तो endoosmosis कहलाएगा, और अगर पानी जब सेल के अंदर से बाहर जाएगा तो exoosmosis कहलाएगा। एकदम सिंपल, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सेल, सराउंडिंग से सेल की ओर अगर वाटर का मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, इंडो ऑस्मोसिस। एंड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू द सराउंडिंग, अगर सेल से वाटर कहां चला गया, सराउंडिंग में चला गया, तो इग्जो ऑस्मोसिस। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नोट में लिखा हुआ है। तो इंडो ऑस्मोसिस एंड इग्जो ऑस्मोसिस। ओके, तो इंडो ऑस्मोसिस देखिए आपके आपके नोट में डिफिनेशन लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ water from surrounding to the cell is called endoosmosis and movement of water from the cell to the surrounding is called exoosmosis. Okay, endoosmosis में क्या होगा, यहां मैं एक डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि ये सेल है,
इसमें क्या होगा, पानी बाहर से अंदर आएगा, पानी क्या होगा बाहर से अंदर आएगा। ये क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, सराउंडिंग से अंदर किधर। देखिए सराउंडिंग से पानी क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। और एक बात बताइए, इसमें हायर कंसंट्रेशन कहां होगा, बाहर, यानी कि इंडोस्मोसिस कब होगा, जब सराउंडिंग में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम होगा तो इंडोस्मोसिस होगा। जब सराउंडिंग में पानी ज्यादा होगा, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और अंदर में पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, इंडोस्मोसिस होगा, यानी पानी बाहर से अंदर आएगा। और जब एग्जोस्मोसिस होगा तो क्या होगा, एग्जोस्मोसिस होगा तो ये रहा आपका सेल, पानी क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। अब देखिए पानी क्या हो रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एग्जोस्मोसिस हो गया। तो पानी का सराउंडिंग से अंदर आना इंडोस्मोसिस, और पानी का अंदर से बाहर जाना एग्जोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस तब होगा जब बाहर पानी का कंसंट्रेशन अधिक होगा, अंदर में कम होगा, और एग्जोस्मोसिस तब होगा जब अंदर पानी का कंसंट्रेशन अधिक हो और बाहर कम हो। समझ गए, तो ये दो तरह के हो गए, ऑस्मोसिस, इंडोस्मोसिस एंड एग्जोस्मोसिस। क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो कब होगा इंडोस्मोसिस और कब होगा एग्जोस्मोसिस, जब सराउंडिंग में पानी अधिक है अंदर कम है तो इंडोस्मोसिस। तो वैसा सॉल्यूशन, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसे इरेज कर दूं, समझ में आ गया होगा आपको दोनों टाइप, नॉट में डेफिनेशन लिखा हुआ है, एकदम इजी इजी सा है, टर्म्स बहुत सारे आए आज, लेकिन सारे टर्म्स इजी इजी हैं, तो बारी बारी से सबको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हाँ अब देखिए मूवमेंट, ये जो पानी का मूवमेंट है, अब मान लीजिए पानी आ रहा है सेल के बाहर से अंदर या सेल के अंदर से बाहर, तो पानी आ रहा है तो किसी न किसी सॉल्यूशन से ही आ रहा होगा, तो इस आधार पर सॉल्यूशन जो है वो उसका बंटवारा तीन तरह से हो गया। सॉल्यूशन कितने टाइप का हो गया, तीन टाइप का सॉल्यूशन हो गया, तीन टाइप का, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटोनिक, एकदम इजी इजी वर्ड्स हैं, कोई ज्यादा नहीं, हाइपोटोनिक, सेकेंड इज हाइपर आइसोटोनिक, सेकेंड इज आइसोटोनिक, एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक, थर्ड इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। क्या मतलब है तीनों का, हम लोग समझते हैं। हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिख देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी का कंसंट्रेशन सेल की तुलना में अधिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी का कंसंट्रेशन क्या है, अंदर की तुलना में अधिक है। सब में सॉल्यूशन लगा देते हैं, ठीक है, वन मिनट, हाँ ओके शुरू करते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें, इसमें हम क्या कहेंगे, हैज मोर वाटर कंसंट्रेशन than cell या then cytoplasm। cell के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आप यही समझ लीजिए साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है ना उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर वाटर कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की तुलना में अधिक होगा सॉल्यूशन में, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। और ऐसे सॉल्यूशन में जो ही आप सेल को डालेंगे, जो ही आप सेल को डालेंगे, तो क्या है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है अंदर कम है, तो पानी पानी क्या होगा, बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना, अंदर आना शुरू हो गया, और क्या होने लगा, इंडोस्मोसिस, यानी क्या होगा, इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस अकर्स, इंडोस्मोसिस अकर्स, क्या हो जाएगा, इंडोस्मोसिस होगा। यानी कि जो ही आप पानी ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें पानी का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो इंडोस्मोसिस होगा, क्या होगा, इंडोस्मोसिस होगा। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें पानी का कंसंट्रेशन अधिक हो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक क्या हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो हैज इक्वल, हैज वाटर कंसंट्रेशन, हैज वाटर, वन मिनट, हैज वाटर कंसंट्रेशन सिमिलर, सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म। यानी अगर वाटर कंसेंट्रेशन साइटोप्लाज्म के ही जितना है, यानी जितना साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर है उतना ही वाटर कंसेंट्रेशन कहां है, सॉल्यूशन में है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन में जब आप क्या कीजिएगा, सेल को डालिएगा, तो कुछ पानी, जितना पानी अंदर से बाहर जाएगा उतना ही पानी बाहर से अंदर आएगा। यानी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, जीरो। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ना तो पानी बढ़ा और ना पानी घटा, जितना पानी सेल के अंदर से बाहर गया उतना ही पानी बाहर से अंदर आ गया, तो सेल का शेप साइज वैसा ही रह जाएगा। इसमें देखिए, हाँ एक चीज छूट गया था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो ही आप डालिएगा तो क्या होगा, पानी बाहर से अंदर आना शुरू होगा, इंडो ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, और क्या होगा, सेल स्वेल करेगा, सेल स्वेल्स, सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। यानी सेल का साइज बड़ा होने लगेगा, सेल फूल जाएगा, क्योंकि पानी जब बाहर से अंदर भरेगा तो सेल फूलेगा ना, फूलना ही चाहिए। तो जो ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप डालिएगा, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, पानी इंडोस्मोसिस हो जाएगा, पानी बाहर से अंदर आ जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा साइज में। आइसोटोनिक में डालिएगा तो वाटर कंसंट्रेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के ही, वाटर कंसंट्रेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के ही बराबर है, तो जितना पानी अंदर से बाहर गया उतना ही पानी बाहर से अंदर आ गया, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो हो गया। यानी कि पानी ना तो अंदर में बढ़ा ना घटा, तो शेप साइज जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ना शेप बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना साइज बड़ा होगा ना छोटा होगा। ओके, एंड लास्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, समझ ही गए होंगे आप, इसमें ज्यादा है इसमें बराबर है तो इसमें क्या होगा, कम होगा, तो इसका हो जाएगा हैज लेस वाटर कंसंट्रेशन, हैज लेस वाटर कंसंट्रेशन, किसकी तुलना में, लेस देन साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म की तुलना में क्या हो, लेस हो, तो क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि अगर पानी का कंसंट्रेशन क्या है, कम है सराउंडिंग में, अंदर में ज्यादा, यानी सेल के अंदर में ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो ही आप यहां देख लीजिए, वहां डायग्राम यहां पर देखिएगा, तो जो ही आप एक सेल को, जो ही आप एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डालिएगा, मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पे थोड़ा, जो ही आप ऐसे सॉल्यूशन में डालिएगा, ये मान लीजिए कि ये जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, यानी कि इसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो सेल के अंदर से क्या होगा, पानी निकल निकल के बाहर आना शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, क्योंकि बाहर में पानी कम है तो अंदर से क्या होगा, पानी बाहर आएगा, और अंदर से पानी जो ही बाहर आएगा, अंदर से पानी क्या होगा, जो ही बाहर आएगा, तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस अकर्स, एक्सोऑस्मोसिस अकर्स, एक्सोऑस्मोसिस होगा, एंड सेल श्रिंक्स, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें पानी का कंसंट्रेशन अधिक है तो पानी सेल के अंदर में पानी भरेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बराबर बराबर है तो जितना पानी अंदर से बाहर जाएगा उतना ही पानी बाहर से अंदर आएगा, नेट मूवमेंट वाटर का जीरो हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो ही आप डालिएगा तो वहां पानी का कंसंट्रेशन कम है तो पानी सेल से बाहर चला जाएगा और एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी बाहर गया मतलब एक्सोऑस्मोसिस हो गया। हाइपोटोनिक में डालने पर सेल स्वेल करेगा, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। आइसोटोनिक में डालने पर न बड़ा न छोटा कुछ नहीं, और हाइपरटोनिक में डालने पर क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। अब जरा आप हम इसको समझिए, तो हम इसको कॉमन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप क्या कीजिए ना, एक अंगूर ले आइए, अंगूर जानते हैं, अंगूर का किशमिश बनता है, उसका सूखा हुआ का किशमिश बनता है। आप किशमिश को ले आइए और उसे पानी में डाल दीजिए सारी रात तक, सुबह आप देखेंगे किशमिश स्वेल कर गया। या आप चना फुलाते होंगे, चना खाने के लिए लोग फुलाता है, तो चना रात में डाला जाता है, छोटा छोटा चना रहता है पिचका हुआ सा, और उसको जब आप डालते हैं तो सुबह में देखते हैं चना बड़ा बड़ा हो गया रहता है, बड़ा हो चुका होता है ना। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि इंडोऑस्मोसिस हुआ, पानी में डाला ना, तो बाहर पानी का कंसंट्रेशन अधिक है, उसके अंदर में पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी बाहर से क्या हो गया, अंदर चला गया, इंडोऑस्मोसिस हुआ, उसके सेल्स क्या हो गए,
वो स्वेल कर गया और वो बड़ा साइज का हो गया। किशमिश में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, किशमिश में आप डाल दीजिए, किशमिश को भी पानी में डालते हैं वो भी स्वेल कर जाता है, किसकी वजह से? इंडो ऑस्मोसिस की वजह से। सब्जी वाला पानी छिड़कता रहता है परवल उड़वल पे, परवल सूखते लगता है उसमें पानी डाल देता है, परवल फिर से फूल जाता है, किसकी वजह से? इंडो ऑस्मोसिस की वजह से। समझ गए? तो पानी का कंसंट्रेशन अगर बाहर अधिक होगा अंदर कम होगा, तो पानी खुद ब खुद बाहर से अंदर जाएगा और इंडो ऑस्मोसिस होगा और सेल स्वेल कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा खेल हो जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। देखिए प्लांट सेल में जब आप देखोगे तो एनिमल सेल में पहले देख लेते हैं। एनिमल सेल में अगर आप देखोगे तो एनिमल सेल को मान लीजिए आपने डाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो एनिमल सेल में क्या होगा? इंडो ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, सेल फूलना शुरू होगा, सेल फूलते फूलते फूल जाएगा, लेकिन अभी भी इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी पानी का कंसंट्रेशन बाहर अधिक है, तो यह सेल क्या कर जाएगा? ब्रस्ट कर जाएगा। यानी एनिमल सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, नोट में लिखा हुआ है ध्यान से सुन लीजिए, एनिमल सेल को जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पहले स्वेल करता है और एक समय आने के बाद वो क्या कर जाता है? ब्रस्ट कर जाता है। लेकिन प्लांट सेल को अगर आप डालिएगा तो वो ब्रस्ट नहीं करेगा, प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं ब्रस्ट करेगा? स्वेल वो भी करेगा लेकिन वो ब्रस्ट नहीं करेगा। क्यों ब्रस्ट नहीं करेगा? क्योंकि उसको भी जब आप हाइपोटोनिक में डालेंगे तो पानी भरना शुरू होगा, इंडो ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, सेल स्वेल करना शुरू होगा। लेकिन प्लांट के पास एक और चीज होती है जिसका नाम है सेल वाल। सेल वाल क्या करेगा? सपोर्ट देगा, वो सेल को ब्रस्ट नहीं करने देगा। तो जब एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वह स्वेल करता है और एक समय आने के बाद वो ब्रस्ट कर जाता है, लेकिन प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के पास एक रिजिड सपोर्ट है जिसका नाम है सेल वाल। क्या नाम है? सेल वाल। और सेल वाल उसे ब्रस्ट नहीं होने देगा, उसे बचा लेगा। तो जब आप प्लांट सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं करेगा, क्यों ब्रस्ट नहीं करेगा? क्योंकि सेल वाल उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। अब देखिए होता क्या है, अब ये तो हो गया आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालिएगा तब क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि जिसमें पानी का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो अगर एनिमल सेल को डालिएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा? उसमें से पानी बाहर आएगा, इग्जो ऑस्मोसिस होगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। समझ गए ना? आप क्या कीजिए, एक अंगूर ले आइए और अंगूर को क्या कीजिए ना, खूब नमक घोल करके पानी में खूब नमक घोल दीजिए, उसमें अंगूर को गिरा दीजिए, आप देखेंगे अंगूर श्रिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंगूर में से पानी बाहर आ जाएगा, श्रिंक कर जाता है। किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक होता है। ये तो हो गया आपका एनिमल सेल में, एनिमल सेल को डालिएगा वो श्रिंक करेगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। वहीं की जगह पे अगर आप प्लांट सेल को डालेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तब क्या होगा? तो प्लांट सेल को जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालिएगा तो होगा क्या? प्लांट सेल भी श्रिंक करेगा, प्लांट सेल श्रिंक करेगा, यानी प्लांट सेल साइज में छोटा होने लगेगा। लेकिन सेल वाल जो कि रिजिड है, सेल वाल रिजिड होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेल वाल पढ़ने वाले हैं, तो सेल वाल क्या होता है? रिजिड होता है। तो सेल वाल रिजिड होने की वजह से सेल तो श्रिंक करेगा लेकिन सेल वाल श्रिंक नहीं करेगा। तो सेल वाल जहां का है वही है और सेल अंदर का जो है वो श्रिंक कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? सेल छोटा होते होते सेल वाल को छोड़ देगा, यानी सेल छोटा हो जाएगा, सेल वाल बड़ा रहेगा। तो सेल छोटा होके अलग हो गया और सेल वाल वैसा का वैसा रह गया, यानी सेल मेम्ब्रेन का कॉन्टेक्ट सेल वाल के साथ खत्म हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। देखिए डिफाइन किया गया आपके क्लास में कि व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन सेल श्रिंक ड्यू टू इग्जो ऑस्मोसिस बट सेल वाल डज नॉट श्रिंक ड्यू टू इट्स रिजिडिटी। यानी सेल वाल श्रिंक नहीं करता है इसकी रिजिडिटी की वजह से। एज अ रिजल्ट सेल मेम्ब्रेन लूज कंटेक्ट विद सेल वाल, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वाल के साथ कंटेक्ट खो देता है एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस कब होगा? जब आप प्लांट सेल को प्लेस करेंगे किसमें? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो एनिमल सेल को जब आप प्लेस कीजिएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो वो श्रिंक करेगा, साइज में छोटा होगा। प्लांट सेल को जब कीजिएगा उसका भी सेल श्रिंक करेगा लेकिन उसका सेलवाल चूंकि श्रिंक नहीं करेगा, सेलवाल वैसा का वैसा ही रहेगा, तो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्टेक्ट सेलवाल से खत्म हो जाएगा और इसी को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। तो नेक्स्ट डे का हमारा टॉपिक यही होगा सेल वाल। आप पूरे नोट को बढ़िया से देख लीजिएगा, सारी चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट डे का टॉपिक हमारा होगा सेल वाल। आज आपने ट्रांसपोर्टेशन समझा, बढ़िया से समझ लीजिए, लेक्चर को दोबारा देखना पड़े दोबारा देख लीजिए, आज बहुत सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए।
तो सारे को देखते हुए आप देख लीजिएगा बढ़िया से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, या नहीं तो आपके पास जो भी माध्यम है, जो भी मेथड्स हैं कांटेक्ट करने का, उससे कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को दूर कीजिएगा। सीरियसली लेक्चर देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, और मैं होप करता हूँ कि आप कर ही रहे होंगे ये सारी बातें। और जब लॉकडाउन खुलेंगी तो फिर हम लोग क्लास स्टार्ट होंगी, और जब ये क्लास स्टार्ट होगी तो मैं इसे रिवाइज करवा दूंगा एक बार इंस्टीट्यूट में, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। उस समय भी आपका जो डाउट होगा वो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन उसका फायदा कब मिलेगा आप, वहां मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं आप कहेंगे कि जैसे सर यहां पढ़ा रहे हैं ना बोर्ड पे वैसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि टाइम कम होगा बाबू। यहां अगर हम टाइम खर्च करेंगे तो वहां क्या होगा, हमारे लिए और टॉपिक्स जो हैं, आपको पता है फिजिक्स में कितना एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, या केमिस्ट्री में भी बहुत सी बातें एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं, तो उसके लिए हमें समय कब मिलेगा, जब हम इसको करके रखेंगे, समझ गए ना। तो इसका यही फायदा होगा, जब यही फायदा होगा तभी जब आप इस लेक्चर को सीरियसली देखें, नोट बनाते चले। अगर थोड़ा कम भी आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब डॉट होगा डॉट को पेन लेके अंडरलाइन करते चलिएगा, या स्टार लगाते चलिएगा पेंसिल से, जिससे कि डॉट आपका कलेक्टेड रहे, और जब मैं रिवाइज करवाऊं तो आप पूछ सके। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।